Assalamualaikum students, I hope everyone is safe, fine and healthy. Let's start our lecture today. Open your book and open the page number 24. The heading is perspective. Students, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटा सा जो box है, ये जो नज़र आ रहा है, ये इस तरीके का लग रहा है कि एक corridor का जो है view दिया हुआ है. अब perspective design drawing क्या होती है? ऐसी होती है कि आपको कोई रास्ता या कोई path, कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जाती है जिसकी तरफ जाने का रास्ता, मतलब कि हर चीज़ आपको उसकी तरफ मतवज्जो कर रही होती है. खुद वो छोटी सी होती है लेकिन उसकी साइडों वाली चीज़ें जो होती हैं, जो हम बनाते हैं, वो बड़ी बड़ी होती हैं. अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ आपने बनाना क्या है. दो चीज़ें आपको चाहिए, एक स्केल चाहिए, ठीक है, दूसरा पेंसिल चाहिए. मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि टीचर आप ड्राइंग पेंसिल इस्तेमाल करती हैं, ये ड्राइंग पेंसिल नहीं है बेटा, वैसे ही यूजुअल आम पेंसिल है. फाइबर कैस्टल की पेंसिल मुझे अच्छी लगती है इसलिए वो यूज़ करती हूँ, लेकिन जो है आज आप लोगों के लिए जो है मैं वैसे ही आम सिंपल पेंसिल जो है यूज़ कर रही हूँ, ताकि कोई बच्चा ये ना समझे कि मैं ड्राइंग पेंसिल इस्तेमाल करती हूँ. अभी तक आप लोगों के लिए कोई भी ड्राइंग पेंसिल मैंने इस्तेमाल नहीं की इन बुक्स के अंदर. नाउ स्टूडेंट्स, अब आपने काम करना है, मेरी वीडियो को देखना है बहुत अच्छे तरीके से, गौर से, और आपने इसी पेज को यूज़ करना है, वो मैं आपको बताती हूँ, आपने वीडियो को देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स.